नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 12 दिसंबर 2023 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा डेट शीट को लेकर क्या अपडेट है, परीक्षा केंद्र को लेकर दोस्त एक नोटिस भी जारी हुई। देखिए आप लोग का परीक्षा केंद्र को कहाँ पर होगा, देखिए एक नोटिस आई है, ऑफिशियल है, ठीक है। डीएलएड बीटीसी द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2023 आयोजित किए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में एक नोटिस आई है, ठीक है। कहाँ कहाँ दोस्तों आप लोग का जिला बनेगा, सेंटर बनेगा, किस जिले में, सब कुछ यहाँ पर देखिए लिखा है कि आगरा में कितने बच्चे हैं, 3488, ठीक है। तो हर जगह दोस्तों जिले की पूरी डिटेल यहाँ पर दी जाती है। टोटल 67 आप देख सकते हैं, या +70 हमीरपुर करके, तो यहाँ पर टोटल 1,26,716, ठीक है। तो पूरी अपडेट हम इस वीडियो में ही देखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। बाकी कुछ और अपडेट्स आएंगे तो अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और देखिए उसके बाद क्या अपडेट है इसको भी जरा देखते हैं। सीटेट को लेकर क्या अपडेट है, यूपी टेट। देखिए अब सीटेट का हमारा एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। आप में से उम्मीद करते हैं जो बच्चे इस समय वीडियो देख रहे होंगे, लगभग लगभग सभी बच्चों ने सीटेट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया होगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच के हों वो बच्चे आवेदन ना किए, लेकिन उसके पहले के सभी बच्चों ने आवेदन कर रखा होगा। देखिए कुछ और बड़ी अपडेट है, उसको भी हम इस वीडियो में ही देखेंगे। देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के दोस्तों जो लास्ट डेट है वो 13 तारीख है, 13 दिसंबर। तो हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। लास्ट डेट का वेट मत करिएगा कि 13 तारीख को ही चल के हम कॉलेज में भरेंगे, तो कभी कभी वेबसाइट डाउन हो जाती है, इसके चलते आप लोग फॉर्म नहीं भर पाते, ठीक है। उस बात का जरा ध्यान रखिएगा। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो क्या अपडेट उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होंगी, एमटीएस से भरे जाएंगे 1,773 पद। तो जो भी अपडेट है सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। मोहन यादव एमपी के सीएम बनेंगे, नरेंद्र तोमर स्पीकर होंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है कि भैया यादव, और यूपी में आप देखते होंगे यादव वर्सेस जो भी चलता है, तो यहाँ पर एक बड़ी पॉलिटिक्स है, मध्य प्रदेश से अपडेट है ये। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 370 को हटाना सही, ये कोर्ट से अपडेट आ गई। फैसला आया जम्मू कश्मीर पर केंद्र के निर्णय पर मुहर लग गई, कहा सितंबर तक चुनाव करा लिए जाए, ठीक है। उसके बाद परीक्षा डेट शीट को लेकर जो भी अपडेट है उसको देखेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है जरा इसको देखिए। हथकड़ी के संग नियुक्ति पत्र लेने पहुंचा बंदी। जी हाँ दोस्तों, देखिए काफी बच्चों को लगता है कि यार कुछ भी हो जाएगा तो हमें नौकरी नहीं मिलेगी। पूरी अपडेट देखेंगे कि कभी कभी नहीं होता है, आपका FIR या कहीं पर भी गांव में कुछ भी होता है ना तो डर बन जाता है, तो क्या मामला था, हथकड़ी के बाद भी कैसे नौकरी मिल गई देखेंगे। शिक्षकों के योगदान से सुधरी उपस्थिति। जी हाँ दोस्तों, ये बिहार से अपडेट आ रही लगातार, अभी उत्तर प्रदेश में भी बड़ी वैकेंसी आनी बाकी है, ठीक है। आप लोग तैयार रहिएगा, तैयारी कम नहीं करनी। देखिए दोस्तों 6 to 8 का पेपर हमारा बिहार शिक्षक भर्ती में हो चुका है, 14 दिसंबर को भी पेपर होगा हमारा। 1 to 5 प्राइमरी लेवल का तकरीबन 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने वहां आवेदन कर रखा है। अब सिर्फ डीएलएड के छात्र इस बार परीक्षा में सम्मिलित होंगे, अपेडिंग छात्र बाहर हैं, बीएड के छात्र बाहर हैं, सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिला है। अगली अपडेट देखिए, सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक परीक्षा में भी छात्र छात्राओं को देना होगा ग्रेड। पहले 81 से 100% लाने वाले बच्चों को मिलेगा ग्रेड ए, ठीक है। तो अब चलिए एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को देखते हैं, पहले इस अपडेट को देखते हैं, आपके मन में कंफ्यूजन बहुत रहता है। बीपीएससी की ओर से आयोजित बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का सफल अभ्यर्थी मतलब हथकड़ी के साथ नियुक्ति पत्र लेने नालंदा के जिला कार्यालय पहुंचे। नालंदा में सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है, तस्वीर में जो युवक दिख रहे हैं वह राजकिशोर चौधरी है। रवि थाना कांड संख्या 126/18 का विचाराधीन बंदी है। डीईओ कार्यालय में लोगों को ने जब हथकड़ी में नव नियुक्त गुरुजी को देखा तो हैरान रह गए। राजकिशोर चौधरी के खिलाफ घरेलू विवाद का मामला चल रहा था, वे न्यायिक हिरासत में हैं। राजकिशोर ने जेल में ही रहकर शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी द्वारा ली गई परीक्षा भी दी थी, इसमें वे सफल हुए। न्यायालय के आदेश पर काउंसिलिंग में उपस्थित हुए, उसके बाद ठीक है बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय ने जेल अधीक्षक को कार्यालय जाकर नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराने व स्कूल में योगदान कराने की व्यवस्था करने का आदेश दिया। जानकारी के अनुसार राजकिशोर चौधरी को तिवरी हाई स्कूल में योगदान देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि गृह कलेश के चलते या घरेलू विवाद के चलते इनको जेल जाना पड़ा, और फिलहाल
नियुक्ति पत्र मिल चुका है। ठीक है, शिक्षक पद पर योगदान देते ही होंगे सस्पेंड। जी हाँ दोस्तों, देखिए योगदान देते ही सस्पेंड कर दिया जाएगा, मतलब क्या है। विधि प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि राजकिशोर चौधरी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, वे अपने नियुक्ति वाले स्कूल में जाकर ज्वाइन भी कर लेंगे, इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि विभाग का यह नियम है, जेल में रहने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया जाता है, जब तक बेल नहीं मिल जाता तब तक सस्पेंड ही रहेंगे। ठीक है, बेल मिल जाएगा एक बार तो उसके बाद आगे का होगा प्रोसेस उनका। तो चतुर सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट आप ये देख सकते हैं, फोर्थ सेमेस्टर ये रहा। ठीक है, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट, फिलहाल अभी थर्ड का पेपर नहीं होगा, पेपर होगा हमारा सेकेंड सेमेस्टर का और फोर्थ का, ये फोर्थ रहा। और प्रथम सेमेस्टर का दोस्तों क्या होगा, पेपर अभी थोड़ी दिन के बाद होगा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों लाखों बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे, मान के चलिए 2 लाख से ज़्यादा बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो कैसे 2 लाख से ज़्यादा बच्चे होंगे, 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस साल 2023 बैच में एडमिशन लिया है और 50,000 बच्चे जो लास्ट टाइम फेल हुए थे तो बैक पेपर के हिसाब से, तो ये संख्या आएगी। ठीक है, और यूपी में क्या वैकेंसी की अपडेट है, देखिए स्कॉलरशिप की भी अपडेट कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग अपने स्कॉलरशिप डिटेल सही से भरिएगा, बहुत से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती, बाद में वे परेशान भी होते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है, इनमें कांस्टेबल के 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है। बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है, चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 52,699 पदों के साथ जेल वार्डन के 2,833, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2,669, ठीक है, पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 2,430, लिपिक संवर्ग के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न जगह अलग अलग वैकेंसी आपको यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। MTS से भरे जाएंगे 1773 पद, प्रयागराज से अपडेट है, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल और हवलदार के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स एग्जाम 2023 के तहत 1723 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, जो भी दोस्तों अपडेट आती है हर एक अपडेट पर आप लोग नज़र बनाए रखिए, वैकेंसी दोस्तों आती रहेगी, आप लोग अगर तैयारी करते रहेंगे तो आने वाले समय में डेफिनेटली आप लोग टीचर बनेंगे, आपका सपना पूरा होगा। सीटेट के लिए एडमिट कार्ड अब किसी भी समय जारी हो सकता है, सीटेट में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट है, करेक्शन हो चुका है, अब सिर्फ पेपर होना बाकी, तैयार रहिएगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आती है अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट अपडेट होगी आप लोगों के लिए, जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, कोर्ट ने दी बड़ी राहत, NPS से पहले चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलेगी, यूपी पुलिस वही वैकेंसी की अपडेट है, अग्निवीर भर्ती 19 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो भी और अपडेट्स आती हैं, फेल छात्रों की बड़ी खबर, डीएलएड छात्रों की कुछ खबरी, स्कूटनी रिजल्ट, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सोशल मीडिया की हर एक अफवाह से आपको बच के रहना है, परीक्षा के लिए तैयार रहिए, दिसंबर के लास्ट वीक में पेपर होगा, 25 दिसंबर के बाद पेपर के लिए तैयार रहना है, हो सकता है कि 26 से ही शुरू हो जाए पेपर, लेकिन तैयार रहेंगे। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, स्कूटनी रिजल्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, प्रत्यावेदन के लिए 200 छात्र प्रयागराज में धरना दे रहे हैं, कोशिश हो रही है, आप लोग भी देखिए एक ग्रुप बनाइए, एक संगठन होना चाहिए, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तभी जाकर कुछ हो पाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।